गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अवयव का प्रतिलोम या व्युत्क्रम। बहुत ही आसानी से हम लोग अवयव का प्रतिलोम और व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। आप बस अंत तक बने रहिए, और जिन स्टूडेंट को अभी तक इसमें प्रॉब्लम है, डाउट है, तो वो सारी चीजें इससे क्लियर हो जाएगी। बस आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि ए इनवर्स होता क्या है। तो देखिए, ए इनवर्स होता है आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ये इनवर्स होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। एक तो ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद सेकेंड चीज ये होना चाहिए कि एडजॉइंट ए निकालते कैसे। तो एडजॉइंट ए जो निकलता है, एडजॉइंट ए, तो वो लिखते ए वन वन। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो अवयव लिखा होता है वो ए वन वन स्मॉल, ए वन वन, ए वन टू, ऐसे में लिखा होता है, तो एडजॉइंट लिखते टाइम वो निकाल तो लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बस उसमें भी मिस्टेक करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एडजॉइंट ए निकलेगा तो उसको लिखते कैसे, ए वन वन, ए वन टू, अगर आगे होता तो ए वन थ्री, ऐसे ही चलेगा, ए टू वन, ए टू टू, तो ये 2x2 का है तो ये ऐसे ही रहेगा। और किसी भी अवयव में उसके अवयव का एडजॉइंट ये निकालना, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपके पास में अवयव 1 2 3 4, इसका एडजॉइंट ये निकालना है। तो ये आपका ए वन वन होता है, ए ए वन टू होता है, ए टू वन होता है, ए टू टू होता है। अब अगर मान लो ए वन वन का एडजॉइंट इसका निकालना है, तो ए वन वन इसका एडजॉइंट निकालना है, ए वन वन का एडजॉइंट कैपिटल ए वन वन लिखते हैं, तो माइनस वन की पावर, ये वन वन क्या दर्शाता है, पहला वाला वन दिखाता है पंक्तियों की संख्या को, और दूसरा वाला वन दिखाता है स्तंभों की संख्या को। तो माइनस वन की पावर, ये आई प्लस जे लिखते, तो वन प्लस वन, और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, चार, तो माइनस वन की पावर टू कितना हो जाएगा, प्लस, प्लस का ही हो जाएगा, तो प्लस चार, इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको ए इनवर्स का फार्मूला पता होना चाहिए, एडजॉइंट ए लिखते कैसे हैं, और ये एडजॉइंट ए निकालते कैसे हैं। चलिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। दिया है ए बराबर अवयव 2 4 -2 3। इसके बाद सबसे पहले आपको सारणिक ए लिखा है, तो सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं। तो सारणिक ए का मान निकालने के लिए इसको भी आप ऐसे ही सारणिक में लिख दें, 2 4 -2 3। अब ये सारणिक का मान ऐसे निकालते, 2 का 3 में गुना कर दीजिए, 2 3 6, बीच में आता है माइनस, फिर ये 4 का 2 में गुना कर दीजिए, -2 में 4 2 8, तो -8 हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो 6 और 8 आपका कितना हो जाता, 14। उसके बाद आपके एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको ए वन वन निकालेंगे, ए वन टू निकालेंगे, ए टू वन निकालेंगे, ए टू टू निकालेंगे। तो ए वन वन, ये ए वन वन है, तो -1 की पावर 1 + 1, और इसके सामने कौन है, 3, तो -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2, तो माइनस मतलब प्लस बनेगा, तो +3 आ जाएगा। ऐसे ए वन टू यहाँ पे ए वन टू मतलब -1 की पावर 1 + 2, और इसके सामने कौन है, 4, तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, तो -1 की पावर 3 कितना, माइनस, तो -4। ऐसे यहाँ ए टू वन निकलेगा, A21 -1 की पावर 2 + 1, और इसके सामने क्या है, -2, तो -1 की पावर 2 + 1, तो -1 की पावर 3, तो माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस, तो प्लस हो जाता, तो +2। अब A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2, और यहां पे बैठा कौन है, इसके सामने 2, तो -1 की पावर 2 + 2 4, तो -1 की पावर 4 हो जाता, तो प्लस बनता, और तो ये प्लस का ही 2 आ जाता। इसके बाद इसको अब एडजॉइंट को लिखना है आपके, तो यहां पे लिखते कैसे, आपको बताया था मैंने, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब यहां पे लिख दीजिए A11, ये 3 है,
ए वन टू कितना आया था माइनस चार, ए टू वन कितना आया था दो, और ए टू टू आपका आया था दो। तो ये आपका एडजॉइंट ही है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं या चूंकि ए इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। अब यहां पे मान रख देंगे एडजॉइंट ए का मान ये है, तो लिख दीजिए तीन माइनस चार दो दो, और सारणिक ए का मान कितना आया था फोर्टीन। तो अब इसके बाद 1 अपॉन 14 को इसके सामने लिख दीजिए या सबके अपॉन में लिख दीजिए, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 14 और ये अवयव को ऐसे 3 माइनस 4 2 2, या इसको आगे आप या ये 14 का सब में भाग दे देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते थे 3/14 या 2/14 मतलब 1/7 हो जाता, या ऋण 4/14 मतलब ऋण 2/7 हो जाता, और यहाँ 2/14 मतलब आपका हो जाता 1/7। तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ए इनवर्स या व्युत्क्रम या प्रतिलोम फलन जो हमने निकाले हैं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए,